दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जिन शिक्षकों ने NIOS DLED के लिए रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद आगे का प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, स्वयं पे भी आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, लेकिन साथ साथ एक नया चीज़ भी यहाँ पे अभी जुड़ गया है NIOS के तरफ से, कि NIOS के तरफ से शिक्षकों को कॉल्स आ रहे हैं। तो उस कॉल्स में क्या हो रहा है कि वो जब कॉल आता है तो आपसे पूछा जाएगा आपका नाम क्या है और जो है आप इस स्कूल से भरे हुए हैं, वो सारा बात आपको बताएंगे कि आपने इस स्कूल से भरा है। और उसके बाद वहाँ पे कुछ बातें वो आपसे पूछेंगे कि जो आपका जो रजिस्ट्रेशन है उससे संबंधित कुछ बातें पूछेंगे, और कहीं कहीं पे वो ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड भेजते हैं, वहाँ से आपको ईमेल वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, ताकि बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आपका जो ईमेल आईडी है NIOS DLED में दिया हुआ वो सही है। क्योंकि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आगे जो कम्युनिकेशन होगा, वो जो कुछ आपको भेजेंगे तो वो ईमेल पे भेजेंगे, तो वो सब वजह से भी, और शिक्षक वेरिफिकेशन के लिए भी, चूँकि पहले भी ये न्यूज़ आई थी कि शिक्षक जो भी अप्लाई किए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, मतलब वो शिक्षक है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे फर्जी जो है नामांकन की भी सूचना उस टाइम पे आई थी, जैसा कि पेपर में आया था और हमने आपको बताया भी था, तो वो सब वजह से यहाँ पे भी वेरिफिकेशन हो रहा है। और उसके बाद शिक्षकों से उनकी कुछ डिटेल्स पूछे जा रहे हैं। हालांकि मैंने कुछ शिक्षकों से बात की, तो दिल्ली में मैंने एक शिक्षक से बात की तो उनको जो कॉल आया तो उनको ईमेल वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो उनसे कुछ डिटेल्स पूछा गया, उनके फ़ोन पे फ़ोन आया और उनसे कुछ जानकारी ली गई ईमेल के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में। और NIOS के जो लोग कॉल किए थे उन्होंने भी बहुत सारी जानकारियाँ बताई उनके बारे में, तो वो सारा डिस्कशन के बाद उन्होंने वेरीफाई कर दिया। लेकिन कहीं कहीं पर से ये भी सुनने में आया है कि ईमेल वेरिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि जब आपको कॉल आता है आपसे डिस्कशन करने के बाद वो बोलते हैं कि आपके ईमेल पे एक कोड जाएगा, वो कोड आप हमें बताइए, तो वो ईमेल भी वेरीफाई करना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके का अगर आप कॉल आता है तो आप सुनिश्चित कर लें कि ये कॉल NIOS से है, और उसके बाद आप जो है वो वेरीफाई कर लें। अगर आपको कॉल आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपसे क्या बातें हुई, क्या क्या पूछी गई, ताकि हमने कुछ शिक्षकों से बात की और इसके अलावा और भी जो भी शिक्षक हैं जिनको भी कॉल आया वो अपने बारे में यहाँ पे नीचे कमेंट में ज़रूर करें, ताकि बाकी शिक्षकों को यहाँ से लाभ मिल सके। क्योंकि हमारा मकसद भी वही है कि सब लोग जिन लोगों को यहाँ पे आगे कॉल्स आने वाले हैं तो उन लोगों को पता चले कि आगे क्या क्या बातें होगी। तो जैसे कि होता क्या है कि जहाँ जिन शिक्षक से मेरी बात हुई दिल्ली में, तो वो सपोज़ कि लोग हमेशा ईमेल खोल के तो बैठे नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो उनसे बात हुई, वो बाहर थे तो उनसे थोड़ी बहुत जानकारी ली गई और स्कूल के बारे में कुछ बातें की गई और उन्होंने कहा ठीक है आपका वेरीफाई हो गया। लेकिन कहीं कहीं पे ये भी बोला गया कि आपके ईमेल पे कोड आएगा तो वो कोड बताएंगे आप, तो फिर उसके बाद वेरीफाई होगा। तो ये सब प्रोसेस जो भी होती है आप उसे ज़रूर पूरा कर लें, ईमेल वेरीफिकेशन की प्रोसेस, क्योंकि एक बार आपका निश्चिंत हो जाएगा कि आपका, हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन जो है ईमेल वेरीफिकेशन या फ़ोन पे जो भी वेरीफिकेशन वो करवाते हैं वो चीज़ अगर हो जाता है तो फिर आगे आपका यहाँ पे आप मतलब आगे का प्रोसेस फिर आपके ईमेल के माध्यम से यहाँ पे करवाया जाएगा। क्योंकि आगे अभी आपको जो प्रैक्टिकल के लिए भी जो आपको यहाँ पे स्टडी सेंटर की बातें होगी, तो बहुत सारी चीज़ें आपको ईमेल के माध्यम से आएगी, तो उस वजह से वो लोग यहाँ पे कंफर्म करना चाहते हैं। तो दोस्तों यही यहाँ पे अपडेट था, और अगर आपको कॉल आया है तो आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि बाकी लोगों को भी वहाँ से सुविधा मिल सके। और जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि स्वयं का जो पोर्टल है वहाँ पे आप लोग जरूर रजिस्टर कर लें, वहाँ पे भी जब आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पे भी ईमेल वेरिफिकेशन के लिए कोड जाता है, तो वो भी कर लें। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो अभी तीन कोर्स यहाँ पे खुला हुआ है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन तीनों कोर्स में आप लोग इनरोल भी कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब भी ये कोर्स खोलेंगे, ओपन करेंगे यहाँ से, तो आपको इनरोल दिखाई देगा, तो इनरोल भी आप कर लें। तो ये सब प्रोसेस उनको ये समझने का है कि टीचर इससे जुड़े हुए हैं और कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो भी उसका उसके अंदर की पढ़ाई है वो भी करते रहें। और हमारे चैनल पे तो आपको यहाँ पे सीरीज मिल ही रही है, तो यहाँ से भी आप पढ़ाई करते रहें और आगे इसी तरीके से सब कुछ संयमित अच्छे से चले, और हम भी कोशिश करेंगे जो भी अपडेट आए हम आपको बताते रहेंगे। तो दोस्तों अभी का यही बड़ा अपडेट था, और आपको अगर हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके बाद बगल में बेल आइकन आएगा उसे दबा देंगे तो आगे जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चली जाएगी, ताकि आपको सबसे पहले कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाज़त, बाय बाय, जय हिंद।